हमारी अगली लोकेशन है वो है सिविक सेंटर इन SF डाउनटाउन. तो यस देयर वी आर राइट देयर एंड बिहाइंड इज द सिविक सेंटर. हम अगर रात में आते तो वो यू नो पूरी लाइट्स होती है डिफरेंट कलर्स की, वो देखने को मिलेगी. पर हम लोगों का दोपहर का टाइम मिला तो या हम बैक टू बैक जैसे ही यू नो डेस्टिनेशन ले रहे हैं कि हमें और भी जगह पर जाना है, तो हम नाइट का टाइम अवॉइड कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे होमलेस भी रहते हैं एंड प्लस किड्स भी है हमारे साथ, तो वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. सो देयर यू आर गाइस. सो ये और यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स एंड पिजियन है, आप यहाँ पे देख सकते हो. दैट्स अ डॉग एंड ऐसे बहुत सारे हैं. तो या शिवान सर आरओ को बहुत ही ज्यादा मजा आ रही है क्योंकि बहुत सारे डॉग्स है और आरओ तो शिवान सर भी थोड़ा सा थक गया है, उसकी नींद भी हो गई है थोड़ी सी, पर आरओ अभी डॉग्स को और पिजियन को उड़ा रहा है. No, yeah, it's having a lot of fun, guys. Let me show you. You can see there's a lot of PGM and drugs, guys. Yeah, the music is bad. And here there's a tram. So, trams and buses, you will see a lot here. So, yeah. There we go. So, it's having a lot of fun. And there you go, that's the civic center, guys. ये एक्चुअल में सिटी हॉल है, उसको ही सिविक सेंटर स्क्वायर बोलते हैं. तो देयर इट इज, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है. एंड ये हम बैठ चुके हैं केबल कार में जो कि हमें ले जा रही है फिशरमैन श्रॉफ में, जो कि वहाँ पे वहाँ से नज़दीकी है PA 39. तो वो भी एक लोकेशन है पॉपुलर देखने के लिए. तो ये हमें सिविक सेंटर्स के थोड़ी ही दूर से मिल जाती है एंड हमें पूरा वो फिशरमैन श्रॉफ पे उतारती है. तो इस वेरी कन्वीनियंट और ये आपको दोनों तरफ स्ट्रीट के यू नो दिखाई देगी. ये उसमें सब यू नो स्टोर्स, ये मॉल्स है जो आउटलेट जैसा मॉल्स होता है, स्टोर्स होते हैं, फार्मेसीज, वो सब आपको देखने को मिलेगी. यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग यू नो वॉक करने के लिए आते हैं. ये पूरा स्ट्रीट यू नो वॉकेबल है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो और एक केबल कार भी यू नो मिल जाती है. तो बच्चों के साथ हमें ईजी रहता है एक केबल कार का यूज़ करने के लिए, तो वी यूज़ केबल कार फॉर दैट. एंड ये एक्सपीरियंस करना यू नो ज़रूरी है, स्पेशली किड्स को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गई थी. शिवान सर आरओ तो यू नो जैसे पगला ही गए थे केबल कार में बैठ के, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ विंडो में से दिख रहा था एंड दे वर रियली एक्साइटेड. प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एवरी 5 to 10 minutes में ये यू नो आती जाती रहती है. तो इट्स मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल. एंड ये जो केबल कार है उसकी टिकट रहती है $7 पर पर्सन. पर जिस दिन हम गए थे उस दिन इन लोगों ने यू नो फ्री में रखा हुआ था, क्योंकि कोविड के बाद इन लोग ये पहली बार ये लोग स्टार्ट कर रहे थे केबल कार. तो इट वाज फ्री फॉर एवरी सिंगल पर्सन. एंड अगर फ्री ना हो फिर भी आई रियली सजेस्ट कि आप केबल कार यूज़ करो अगर आपके साथ किड्स है या फिर यू नो सीनियर पेरेंट्स है, क्योंकि ये जो पूरा वॉक है वो स्लोप में है, ताकि आप यू नो आपको जैसे चढ़ना पड़ेगा तो यू नो वो लोग जल्दी से टायर्ड भी हो जाएंगे. तो या केबल कार रियली हेल्प्स एंड आपको सब देखने को मिल जाता है एंड आप यू नो शांति से बैठ के जा भी सकते हैं. ऑल्सो जो ये वाली केबल कार थी वो हमें पावल और हेड लाइन के बीच में मिल गई थी, जो मार्केट स्ट्रीट से स्टार्ट होती है, और इस रूट के बीच में हमें देखने को मिला कोइट टावर, अलकात्रा आइलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को बे एरिया. इसका एक पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपने एक बार टिकट पे कर दी तो आप ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, आप बहुत सारी जगहों पे उतर सकते हो और कभी भी चढ़ भी सकते हो. तो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक बार आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट. जो केबल कार होती है SF की, उसका टाइमिंग होता है 365 days a year एंड फ्रॉम 6:30 morning टू आफ्टर midnight. तो इसका जो ऑपरेटर आवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है एंड प्लस इसकी सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारे पास ट्रॉलर था तो
तो यू नो वहाँ पे प्लेस भी था स्ट्रॉलर रखने के लिए, तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अगर आपके पास स्ट्रॉलर है तो यू नो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो प्लेस योर स्ट्रॉलर इन द केबल कार। और ये जो पियर 39 है वो एक शॉपिंग सेंटर है और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इसमें आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वीडियो आर्केड, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस एंड एक्वेरियम ऑफ द बे, एंड प्लस इसमें विजुअल 3D राइड्स भी होते हैं। ये जो पियर 39 है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसके सी फूड के लिए। इधर आपको यू नो फ्रेश सी फूड खाने को मिलेगा। ये रहे सी लायंस, आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा यू नो ह्यूमन फ्रेंडली भी होते हैं एंड दे आर नॉट अग्रेसिव एट ऑल। और ये हम आ चुके हैं पियर 39 के शॉपिंग सेंटर में, जो कि वहाँ पे यू नो राइड्स भी होते हैं। तो ये बच्चों की राइड थी पर आरव और शिवांश अभी छोटे हैं तो हम भी बैठ गए एंड इसकी प्राइस थी $7। तो या वी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई मीन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। पहले आरव बैठा था, फिर उसके बाद उसको देख के शिवांश को भी मन हो गया बैठने का, तो फिर शिवांश और आरव फिर से बैठे। तो आरव ने दो राइड्स की और शिवांश ने एक राइड की। एक बार वृंदा भाभी बैठे हुए थे और एक बार मैं बैठी हुई थी, तो या बचपन के दिन याद आ गए गाइस। और दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गई थी और इस राइड से उतरने का वो नाम ही नहीं ले रहे थे। हमें पता है कि हमने उनको कैसे उतारा, तो या अब हमारा फाइनल एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गिराडिली स्क्वायर, जो कि लोकेटेड है मरीना एरिया में। एंड ये पहले एक चॉकलेट फैक्ट्री हुआ करती थी पर अब ये कन्वर्ट हो गई है शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड 5-स्टार होटल्स में। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, टूरिस्ट को ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ल्ड फेमस अमेजिंग आइसक्रीम मिलती है और फ्रेश आइसक्रीम एंड मिल्क शेक मिलता है। ये बाहर का एरिया है, आप अंदर भी बैठ के आराम से आइसक्रीम खा सकते हो। अगर आपको बाहर बैठ के यू नो फाउंटेन देखते देखते आइसक्रीम खाना है, स्काई को देखते आइसक्रीम खाना है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। Now let's go in and हम ऑर्डर करते हैं सम अमेजिंग आइसक्रीम एंड मिल्क शेक। तब तक के लिए मैं आपको ये दिखाती देती हूँ यहाँ का फाउंटेन, जो चॉकलेट फाउंटेन है वो बहुत ही यू नो फ्रेश यहाँ पे चॉकलेट बनती है और ये प्रोसेस कैसे होता है ये यहाँ पे सब कुछ यू नो दिखाया जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पे कोकोआ बीन्स जो होते हैं उसके आउटर लेयर को निकाल दिया जाता है एंड उसके अंदर जो रहता है उसको कहते हैं निब्स, जिसको रोस्ट करके डिफरेंट टाइप के चॉकलेट फ्लेवर में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस प्रोसेस का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो 3-tier मिल्स का यूज़ होता है एंड जिसमें जो कोकोआ निब्स होते हैं उसको ग्राइंड किया जाता है जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड चॉकलेट लीकर। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि आप कोकोआ अकेले नहीं खा सकते क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। तो ये ग्रेनाइट रोलर्स है जहाँ पे कोकोआ से जो चॉकलेट लिकर बनाया जाता है उसको मिक्स किया जाता है होल मिल्क पाउडर, शुगर, वेनिला एंड कोकोआ बटर के साथ। एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लगता है, जैसे कि चॉकलेट की नदी ही बह रही हो। एंड इसका फाइनल स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड काउंचिंग। ये चॉकलेट को सुपर स्मूथ और एयरी बना देती है जिससे उसका फ्लेवर और टेक्सचर और डेवलप हो जाता है। और उसके फाइनल स्टेप हो जाने के बाद चॉकलेट को टेम्पर करके अलग अलग तरह के मॉडल्स में ढाला जाता है ताकि उसको डिफरेंट तरह की शेप मिल सके। और ये है इनकी सिग्नेचर मोल्डिंग ट्रेस और यहाँ पे एक्चुअल में वफ़ल वो सब भी ये लोग बनाते हैं खुद ही। और ये नज़ारा देख के यू नो मेसमराइजिंग हो जाओगे और इसकी स्मेल जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा यम एंड अमेजिंग आती है गाइस। आप रुक भी नहीं सकते थोड़ी देर के लिए भी कि यू नो आपको आइसक्रीम खाना ही खाना है यहाँ पे आके। अगर आप इवन डाइट पे हो फिर भी आपको यू नो मन हो जाएगा आइसक्रीम खाने का। ट्रस्ट मी गाइस इट्स सो टेम्प्टिंग एंड प्लस डू ट्राई देयर हॉट फज संडे फ्रॉम देयर मेन्यू, बिकॉज ये जो वाली आइसक्रीम ट्रीट है वो आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाली है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स भी अवेलेबल है, सेल ये लोग सेल भी करते हैं,
तो आप अपनी मनचाही चॉकलेट्स भी खरीद सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है गाइस, ट्रस्ट मी। और कभी कभी अगर आप क्रिसमस में आओ तो यहाँ पे अच्छी खासी सेल भी मिल जाती है। एंड ये यहाँ का मेन्यू है जिसमें से आप ऑर्डर कर सकते हो, एंड यू कैन सी बहुत सारी यू नो फ्लेवर्स में आइसक्रीम और मिल्क शेक यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमारा ऑर्डर प्रोसेस भी हो चुका है एंड बस हमारी आइसक्रीम आने वाली है, तो लेट्स गो एंड ईट दैट आइसक्रीम, इट्स सो यम्मी गाइस, आई कैन इवन वेट। यहाँ के आइसक्रीम और मिल्क शेक बहुत ही ज़्यादा फिल्दी होते हैं, तो हमें इसके बाद कुछ भी ज़रा सा भी खाने का मन नहीं था और बस हम अपनी घर की तरफ चल पड़े। एंड या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय, लव यू ऑल।